तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि हाल ही में हुए झारखंड बिजली 2022 के दौरान पूछा गया था। और ये जो न्यूमेरिकल है वो हमारा सॉक्स एमिशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि किसी भी प्लांट में हमारा पूरे साल में कितना सॉक्स का एमिशन हो रहा है, यानी कि SO2 का टोटल एमिशन कितना हो रहा है एक साल के अंदर, उसका कैलकुलेशन है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग इस न्यूमेरिकल को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं और इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि एस्टिमेट SO2 एमिशन थ्रू चिमनी इन टन पर एनम, यानी कि हमारा चिमनी से जो SO2 का एमिशन हो रहा है, यानी कि चिमनी से जो हमारा सॉक्स निकल रहा है उसका एक साल में कितना टन निकल रहा है उसको हम लोग को निकालना है। जिसमें दिया है, डाटा दिया है क्या चीज, तो हम लोग कितना डे कंसिडर करेंगे, यानी कि एनम, यानी कि एक साल में हम लोग 340 दिन उसमें एज्यूम करेंगे, यानी कि 340 दिन का हमें निकालना है कि कितना टन सॉक्स का एमिशन हुआ है। जिसमें हमारा जो क्वांटिटी ऑफ एफओ, यानी कि फर्नेस सॉइल का जो कंजप्शन है वो कितना है, 3.5 केएल पर आवर, केएल यानी किलो लीटर। अगर आप इसको केवल लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3500 लीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ऑयल है उसका दिया है 0.94, और सल्फर कंटेंट कितना है तो 3.8%। अगर इसको आप ऐसे करेंगे, परसेंट हटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.038, क्योंकि 100 से डिवाइड होगा, तो ये हमारा कितना है सल्फर कंटेंट है। और इसमें एक और चीज दिया है कि इफ मेजर्ड O2 इन फ्लू गैस, अगर फ्लू गैस में जो O2 है अगर 2.5% दिखा रहा है तो फाइंड एक्सेस एयर, यानी एक्सेस एयर लेवल यहाँ फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्सेस एयर हमें पता करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सॉक्स का जो एमिशन है 340 दिन में कितना हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी ऑफ फर्नेस ऑयल कंजप्शन है वो कितना है, 3500 लीटर पर आवर है, यानी कि एक घंटा में हमारा 3500 लीटर ऑयल का कंजप्शन हो रहा है, जबकि इसके अंदर हमारा सल्फर कंटेंट कितना है 3.8 है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि टोटल सल्फर का जो अमाउंट है वो कितना है, यानी कि हमारा एक घंटे में जब हमारा इतना लीटर कंजप्शन हो रहा है तो हमारा पूरा टोटल 340 दिन जब होगा तो उसमें कितना हमारा सल्फर का अमाउंट होगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, तो अमाउंट ऑफ सल्फर, किसमें अमाउंट हम लोग इन केजी पर एनम। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमारा क्वांटिटी कितना है, कंजप्शन कितना हो रहा है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ फर्नेस ऑयल कंजप्शन इनटू ये हमारा क्या है पर आवर है। और इसके बाद हमें इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता करना चाहिए कि हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि कितना दिन के लिए हम लोग इसका कंजप्शन कर रहे हैं, यानी कि हमारा डे कितना है, तो डे, और इसको डे को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा सल्फर का कंटेंट कितना है, ये कर देंगे तो हमारा जो सल्फर का अमाउंट है एक साल में वो निकल करके आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए, सल्फर का कंजप्शन हमारा 3500 है, तो 3500 कर दीजिए, इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.94 है, ठीक है। और डे कितना है 340 दिन हम लोग पर, यानी कि एक साल में हम लोग 340 दिन ही एज्यूम किए हैं इसके इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। और एक दिन में हमारा कितना आवर होता है 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनटू सल्फर हमारा कितना है तो 0.038 है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, 3500 इंटू 0.94 इंटू 340 इंटू 24 इंटू 0.038, तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है 1020163.2। ये क्या हो जाएगा, केजी पर एनम, यानी कि इतना केजी पर एनम क्या है हमारा जो सल्फर है उसका क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सॉक्स यानी कि SO2 का एमिशन कितना होगा अगर हमारा इतना सल्फर हम लोग इतना जला रहे हैं,
यानी कि साल भर में जितना हम लोग ऑयल जलाएंगे तो इतना हमारा सल्फर का क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो एक चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि सल्फर को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाता है SO2। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सल्फर का जो एटॉमिक मास है उसका कितना होता है 32, और O2 का कितना है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 है तो 2 लिख दीजिए, और इधर क्या हो जाएगा, यानी 32 प्लस 16 इंटू 2, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 32 हो गया, ये भी 32 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे 32 से दोनों तरफ तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1 केजी सल्फर को जलाने के लिए 1 केजी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, जिससे हमारा 2 केजी क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 केजी सल्फर को जलाने के लिए 1 केजी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, जिससे हमारा 2 केजी सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, यानी कि 1 केजी सल्फर को जला रहे हैं तो हमारा इतना सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है। तो यदि हम लोग इतना केजी सल्फर को जब जला रहे हैं एक साल में तो कितना सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, तो जस्ट इसे ट्वाइस कर देंगे तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन पता चल जाएगा, यानी कि SO2 एमिशन थ्रू चिमनी कितना हो जाएगा, तो हमारा जितना क्वांटिटी है यानी कि सल्फर क्वांटिटी इनटू कर देना है किससे, तो हमारा SO2 एमिशन, तो इसका सिंपली क्या कर देना है कि 1020163.2 इनटू 2 कर देना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पर एनम निकल के आ जाएगा, यानी कि 1020163.2 इनटू 2 कर देंगे तो हमारा 2040 326.4 ये क्या हो जाएगा केजी पर एनम, यानी कि एक साल यानी कि 340 दिन में हमारा इतना सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो चिमनी से निकलने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक और चीज दिया है कि हमारा O2 इतना दिया है तो हमें एक्सेस एयर निकालना है, तो देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एक्सेस एयर यानी कि एक्सेस एयर इक्वल टू क्या होता है, तो O2 परसेंटेज डिवाइड 21 माइनस O2 इनटू 100, ये हम लोग जानते हैं। तो O2 हमारा कितना दिया है 2.5, तो 2.5 और डिवाइड क्या कर देना है 21 माइनस 2.5 इनटू 100, तो हमारा एक्सेस एयर का जो लेवल है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 2.5 डिवाइड 21.25 यानी 18.5 हो जाएगा, यानी कि 2.5 डिवाइड कर देना है किससे, तो 18.5 से और इनटू कर देना है 100, तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है 13.5 क्या हो जाएगा, इतना हमारा एक्सेस एयर हो जाएगा। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल का हम लोग सोल्यूशन देख लिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।